हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद इसी इलाके में आज चल रहे एमसीडी के बुलडोजर में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। 19 अप्रैल की शाम को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की घोषणा की थी, जिसके बाद जहांगीरपुरी के निवासी और जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और जहांगीरपुरी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। बुलडोजर कार्रवाई को एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाला एक्शन बताया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो इसे रोक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हमको जो खबर मिल रही है कि अभी भी ये अभियान वहाँ पे चल रहा है। हमने नोटिस भेजा है वहाँ के जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को कि इसे फौरी तौर पर रोका जाए, लेकिन इसे अभी तक ये पता चल रहा है कि ये रोका नहीं जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे मौके के ऊपर एक डिमोलिशन एक डिफरेंट इशू है, और अगर डिमोलिशन करना है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, उसके मुताबिक होना चाहिए ये जब भी उनको करना था। लेकिन ये कि उस वक्त जबकि ये राइट की कंडीशन शुरू हुई और उसमें आप इस तरह से करेंगे तो आप तो जो राइटर्स हैं उनका साथ दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मैं इस वक्त फौरी तौर पर ये अपील करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर से, खास तौर से, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो उन्हीं के अंडर में है और DDA भी उन्हीं के अंदर में है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उन्हीं का राज है, तो उनको फौरी तौर पर इंटरवीन करना चाहिए कि इसे रोकना चाहिए। इस तरीके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी इसे करते कि जारी रखना, ये तो डायरेक्टली सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो है अपमान है। जहांगीरपुरी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, फिर सुप्रीम कोर्ट की रोक और जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका की रोक लगवाने में भूमिका, इन सभी घटनाओं के बाद से जमीयत उलेमाए हिंद एक बार फिर चर्चा में आ गई है। तो आइए जानते हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद आखिर है क्या। जमीयत उलेमाए हिंद की स्थापना 1919 में की गई थी। इसकी स्थापना शेख अल हिंद मौलाना महमूद अल हसन, मुफ्ती मोहम्मद नईम, प्रोफेसर नूर उल हसन खान गजाली, मौलाना अब्दुल बारी, फिरंगी मेहली, मौलाना अब्दुल हक मदानी, सैयद गुल बादशाह सहित अन्य लोगों ने मिलकर की थी। जमीयत उलेमाए हिंद के पहले अध्यक्ष मुफ्ती किफायतुल्लाह चुने गए थे। जमीयत उलेमाए हिंद की स्थापना में जिन नामों का जिक्र है वो सभी दरअसल देवबंदी शाखा के इस्लामी विचारकों में शुमार थे। जमीयत का इतिहास ये है कि उस आजादी की लड़ाई में भाग लिया, खिलाफत आंदोलन के दौरान कांग्रेस के साथ खड़े रहे, भारत के बंटवारे का भी विरोध किया। भारत के बंटवारे का विरोध करने के दौरान ही संगठन में फूट पैदा हुई और अलग देश की मांग कर रहे लोगों ने संगठन से किनारा करते हुए एक नया संगठन बना लिया, जिसका नाम रखा गया जमीयत उलेमाए इस्लाम। जमीयत उलेमाए हिंद में जमीयत शब्द का मतलब होता है सभा, लीग या संगठन। जमीयत एक अरबी शब्द है। इस संगठन की पहली बैठक अमृतसर में 28 दिसंबर 1919 को हुई थी। संगठन का गठन किसने किया, इसको लेकर आज भी इसके सदस्यों के बीच मतभेद कायम है। नवंबर 2008 में हैदराबाद में जमीयत उलेमाए हिंद की 19वीं जनरल बॉडी मीटिंग हुई। इसमें करीब 6000 विचारकों ने हिस्सा लिया था। स्वामी अग्निवेश और रविशंकर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। बैठक में आतंकवाद के विरोध पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान एक फतवा भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में गैर जरूरी हिंसा, खून खराबा, शांति भंग करना, आतंकवाद जैसी बातें खारिज की गई हैं। इससे इतर बीते कुछ सालों में भी जमीयत उलेमाए हिंद काफी चर्चा में रहा है। 3 साल पहले कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा लखनऊ में हुई हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपियों की कानूनी मदद भी की थी।